Hey guys, good afternoon. So in this workshop, I'm going to be talking about Pricall Limited, one of the companies जिसका scope बहुत ही अच्छा है. एक छोटा market cap वाली company है. और अगर आप देखोगे कि because people come up to me and say कि like हमें electric vehicle का कोई एक theme वाला stock बताओ, तो Pricall Limited is one of the place in the EV game in India. ठीक है, तो of course इस video में सबसे पहले हम बात करेंगे कि Pricall का revenue के breakup के बारे में. क्या करती है ये कंपनी, मतलब से इफ यू लुक एट द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, ये होती क्या है, राइट? तो इस पे हम ज्यादा डिटेल में थोड़े से बात करेंगे कि लाइक मतलब व्हाट इज द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, होता क्या है उसमें, राइट? एंड कैसे Pricall पैसा बनाती है. देन वील मूव ऑन टू से फॉर एग्जाम्पल के Pricall का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा हुआ, और विल एंड द वर्कशॉप with the management commentary and business outlook kya kya hai. One other thing I would also want to discuss in a bit more detail is ye Pricall aur Minda mein kya ho raha hai, because recently you guys must have seen ke like Minda Pricall ke upar ek hostile takeover karne ka koshish kar raha hai, stake bada raha hai. So what is going on, wahan pe ho kya raha hai, aur uske matlab counter ke liye what are the things that Pricall ka management are taking. Theek hai, to ye banta hai pura aaj ka workshop. To abhi chalu karte hai. To Pricall ka agar aap dekhoge, unka do main division hai, theek hai. 65% of their total sales comes from DIS. DIS मतलब driver information system. और बाकी जो 35% है वो आपको आता है control and fluid management से. अब दोनों division को थोड़ा समझते हैं. Driver information system कुछ नहीं है. पहले जमाने में क्या होता था, जैसे सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हो तो आपके सामने एक डैशबोर्ड हुआ करता था. गॉट इट? सो वही तो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, एक डैशबोर्ड, राइट? तो सोचो अगर एक ड्राइवर को जानना है कि उसका गाड़ी का अभी मतलब कितना किलोमीटर चला है, या फिर उसका उसका भी उसका गाड़ी का अभी से फॉर एग्जांपल पेट्रोल का वो जो काटा है वो कहाँ पे है, राइट? या फिर वो कौन से स्पीड में गाड़ी चला रहा है, ये सब कौन बताएगा ड्राइवर को? अपना ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब उसका वो डैशबोर्ड ही, राइट? लेकिन Pricall ने बात को कतई आगे लेके गया. Pricall इज नो लॉन्गर अ कंपनी जो सिर्फ डैशबोर्ड बनाता है, वो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या बात को अभी मतलब अगर आप देखोगे लॉजिकली देखोगे, सो मैं आपको एक चेंज बता रहा हूँ. तो पहले अगर आप देखोगे तो ये जो सारा ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम हुआ करता था ये मैकेनिकल हुआ करता था. फिर उसके बाद आप देखोगे LCDs आने लग गया, ठीक है? LCD का मतलब इज मोर लाइक एन इंफोटेनमेंट, राइट? मतलब मोबाइल फोन के तरह, ठीक है? मतलब ड्राइवर को एक मतलब इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है. और जैसे अगर आप मैकेनिकल से कोई भी चीज को LCD लाओगे तो उसका एस्थेटिक अपील भी बढ़ जाता है. और अगर आप देखोगे Pricall अभी LCD से भी धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर पे, इसको TFT बोला जाता है. आप इसके बारे में भी थोड़ा गूगल करके देख सकते हो कि TFT क्या है. सो बेसिकली क्या है Pricall आज देख रहे हैं, क्योंकि आज जो नया नया गाड़ी का मॉडल आ रहा है, राइट, उस गाड़ी का एस्थेटिक्स पे बहुत फोकस हो रहा है, करेक्ट? तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ठीक है? और Pricall आज ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का एकदम एक मार्केट लीडर है. तो ये बन जाता है, राइट? मतलब एक ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो उसको जितने मतलब ड्राइवर का जिंदगी कितना आसान आप कर सकते हो, राइट, वही काम है Pricall का. ये है Pricall का मेन बिजनेस मॉडल. अब दूसरे साइड क्या है कि अगर आप देखोगे जितना आप LCD यूज कर रहे हो या TFT स्क्रीन यूज कर रहे हो तो आपको तो चिप्स चाहिए होगा. तो Pricall वर्क्स विद अ लॉट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर उनको लाना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कि लाइक कोविड के बाद देयर वाज अ सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज, लेकिन अभी वो वैसा कोई प्रॉब्लम्स और है नहीं, ठीक है? और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे जो भी आज नए नए जैसे मैंने बताया, राइट, जो टू व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है, राइट, वो अपने गाड़ी में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लाने का कोशिश करेगा. मतलब अगर गाड़ी का अगर पूरा शेप और पूरा एस्थेटिक्स बदल रहा है, so they can't use that purana mechanical just dashboard, right? So aaj driver information system has become much more than just a dashboard. Agar aapne recently gaadi kharida ho to aapka dashboard ko observe karna digitized hai, right? AI based hai, right? To iske sath cloud ke sath connected hai. So aapko information, aapka jo driver ka jo information hai wo ekdam matlab information mein koi 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 galti nahi ho sakta hai, right? So, ये बनता है Pricall का main business model, which is 65% of their sales. अब बाकी का अगर आप देखोगे 35%, वो आपको आता है control and fluid management. इसका क्या मतलब? मैं आपको कुछ products के बारे में बात करता हूँ जो Pricall बनाता है. Then I'll give a couple of examples. तो पहला पॉइंट है कि वो डिस्क ब्रेक बनाता है, राइट? आपने साइकिल में देखे होंगे कि लाइक वो जो राउंड कलर का जो चक्का होता है, राइट, जब आप ब्रेक मारते हो तो दोनों साइड से रबर से वो डिस्क को रोकता है, एंड ऑफ कोर्स आपका साइकिल भी रुक जाता है. तो वो डिस्क ब्रेक बनाता है.
फिर दूसरे साइड अगर आप देखोगे प्राइकॉल ऑयल पंप्स भी बनाता है। अब सोचिए ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन काम क्या है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स भी आया तो ड्राइवर को इमीडिएटली अलर्ट करवाना, राइट। नाउ सोचिए अगर से फॉर एग्जांपल इंजन, इंजन में तो हमें हमेशा इंजन ऑयल चाहिए, राइट। नाउ व्हाई डू यू नीड इंजन ऑयल इन इंजन ऑल द टाइम, ताकि वो इंजन में ढंग से सर्कुलेट करे, क्यों चाहिए? ताकि वो अच्छा लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करे, राइट। इंजन में फ्रिक्शन के वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, एक तो हो गया वो, दूसरा है कि एक स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंजन होनी चाहिए। तो सोचो अगर से आपका इंजन ऑयल में कोई प्रॉब्लम है तो ये ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में झटक से आ जाएगा, एक लाल लाइट जल जाएगा कि आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो सोचो प्राइकॉल आज एक तरफ से तो DIS में काम कर रहे, दूसरे साइड ये सारे मटेरियल्स भी बना रहे, जैसे डिस्क ब्रेक हो गया, फिर आपका ऑयल पंप हो गया। नाउ ऑयल पंप क्या होता है? नाउ सोचिए अगर से फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस ए से बी तक एक गाड़ी गया, ठीक है, सोचो 1000 किलोमीटर एक गाड़ी चला, ठीक है। अब उसके बाद लेट से फॉर एग्जांपल उस गाड़ी का इंजन ऑयल में, लेट से उसका इंजन ऑयल में कुछ प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम का मतलब है आपको, आप देखोगे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको पता होगा कि आप इंजन ऑयल बदलते हो, राइट, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर दैट यू कवर। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो ऑयल पंप खराब हो जाता है, गॉट इट। एंड देन उस टाइम पे अगर ऑयल पंप खराब होता है बिकॉज लेट से आपने मोबिल या इंजन ऑयल सही टाइम में नहीं दिया, तो फिर वो आपका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी आ जाएगा, राइट, के लाइक अब आपका ऑयल पंप चेंज करने का टाइम आ गया, नहीं तो फिर आगे जाके इंजन ही खराब हो सकता है, गॉट इट। तो ये सारी चीजें भी प्राइकॉल बनाती है, एक तो पूरा ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ का एनालिटिक्स पूरा एकदम प्रॉपर डिजिटाइज, जैसे मैंने बात किया LCD TFT स्क्रीन्स, दूसरे साइड में डिस्क ब्रेक हो गया और फिर उसके बाद ऑयल पंप हो गया, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको वाटर पंप बोलते हैं, ये सब भी बनाते हैं। नाउ सो द ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनाते हैं दैट इज 65% ऑफ देयर सेल्स, फिर से बता रहा हूँ, एंड द रिमेनिंग 35% कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बनता है प्राइकॉल का मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। ओके, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि लाइक प्राइकॉल का मार्केट शेयर क्या है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे दुनिया में प्राइकॉल इज द, इन द वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ, प्राइकॉल इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द टू व्हीलर स्पेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में नहीं पूरा दुनिया में। आई थिंक द मार्केट लीडर इन द वर्ल्ड इज निपॉन सेकी करके कोई एक कंपनी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्राइकॉल व्हेन इट कम्स टू सप्लाई ऑफ द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम और DIS इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, गॉट इट। और अगर आप देखोगे प्राइकॉल का अगर मार्केट शेयर अगर आप देखोगे इन इंडिया ऑल्सो इट इज नॉर्थ ऑफ 50% इन द टू व्हीलर स्पेस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है, इंडिया में भी टू व्हीलर स्पेस में इनका मार्केट शेयर इज मोर देन 50%। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू लर्न इज दिस के लाइक आप देखोगे रिसेंटली टीवीएस ने अपना जो ये iQube निकाला, राइट, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटी है, राइट। तो आप देखोगे टीवीएस के साथ प्राइकॉल का एक्सक्लूसिव टाई अप है। तो जितना भी अगर आप टीवीएस का iQube का ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम देख रहे हो ना, मतलब सामने का जो डिस्प्ले है वहां पे, राइट, वो प्राइकॉल का बनाया हुआ है, तो उनका 100% मार्केट शेयर है। और अगर आप टाटा मोटर्स का व्हीकल्स देखोगे उसका कुछ 60-70% का मार्केट शेयर प्राइकॉल के पास है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस लाइक आज अगर आप देखोगे इंडिया में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं सब प्राइकॉल के पास जा रहे हैं कि हमारा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बनाओ, राइट। दिस इज वाई आई से के लाइक इंडिया में अगर ये जो ईवी का जो पेनिट्रेशन होने वाला है अगले 5-10-15-20 साल में ना, प्राइकॉल विल प्ले अ बिग रोल, बिकॉज प्राइकॉल के जैसा इतना बड़ा ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला कंपनी इंडिया में हार्डली कुछ है। मैं मिंडा को बताऊंगा कि लाइक मिंडा प्राइकॉल को खरीदना चाहता है फॉर द सेम रीजन ओनली, ठीक है, बट उसमें मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। ओके, तो ये बन जाता है। और अगर हम थोड़ी इंडिया के बाहर भी देखें तो प्राइकॉल का एक एक्सपोर्ट मार्केट भी है। बाय द वे अगर उनका 100 रुपए का सेल्स होता है सो 90% डोमेस्टिक मार्केट से आता है एंड 10% एक्सपोर्ट से आता है। और अगर आप उनके एक्सपोर्ट पे देखोगे तो उनका बुकाटी हो गया, फिर आपका BMW हो गया, राइट, इनका भी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम का सप्लाई प्राइकॉल करती है, ठीक है। तो ये बन जाता है बात, और तो कुछ है नहीं। आई गेस आपने ये जो कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट वाला पार्ट है, अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो और थोड़ा जाके ऑयल पंप का फंक्शनैलिटी से गूगल करके देख सकते हो। अब थोड़ा हम बात करते हैं प्राइकॉल के रिजल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे प्राइकॉल का, तो रिजल्ट से पहले चलो एक साथ ही रिजल्ट और कॉन कॉल एक साथ कर लेते हैं,
कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीज बताया। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राइकॉल का है कि वो ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी बन चुका है। दे हैड अराउंड 65 करोड़ का डेट अराउंड आई थिंक इन Q1 FY 23। अभी वो डेट को खारिज कर दिया है। सो कोई भी कंपनी अगर डेट फ्री होता है तो मतलब ये एक अच्छी साइन है, राइट? और प्राइकॉल ऐसे हो रहा है। सेकेंड, अगर आप देखोगे प्राइकॉल का जो एक्सपोर्ट वाला डिवीजन है, ठीक है, दैट इज ग्रोइंग एट 41% YOY। नाउ टोटल एक्सपोर्ट इज ओनली 10% ऑफ द टोटल सेल्स, बट गोइंग फॉरवर्ड द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स द एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन टू बी 20% ऑफ द टोटल सेल्स, बिकॉज एक्सपोर्ट में आप ज्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो आगे जाके प्राइकॉल का प्रोडक्ट मिक्स इज गोइंग टू चेंज फॉर द गुड, राइट? बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट में ज्यादा बेच रहे हो एंड यू आर चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अगर आप बेच सकते हो इन DIS टू द लाइक्स ऑफ मर्सिडीज एंड बुकाटी एंड ऑल दैट, तो इससे प्राइकॉल को मार्जिन अपने मेंटेन या मार्जिन को बढ़ा भी सकता है। तो ये बन जाता है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि प्राइकॉल का मैनेजमेंट ये बोलता है कि वी कैन डबल आवर रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट 3 years। तो FY 23 में दे मेड अ टोटल ऑफ अराउंड 2000 करोड़ एंड द मैनेजमेंट सेज के FY 26 तक वी कैन डबल द रेवेन्यू। सो 26% CAGR से टॉप लाइन कैन ग्रो, राइट? नाउ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज के लाइक द मैनेजमेंट हैज द ऑर्डर बुक, दे हैव द ऑर्डर बुक विजिबिलिटी फॉर दिस, दे जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट, गॉट इट? तो ऐसा नहीं कि वो डबल यू बोल दिया, उनके पास ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी है। तो अगर टॉप लाइन अगर डबल हो रहा है 3 साल में और इसका ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी है, दैट्स अ ग्रेट साइन, राइट? तो ये भी मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया। अच्छा, फिर Q1 FY 24 में जो प्राइकॉल का नंबर्स था उनका सेल्स, राइट, उनका सेल्स हैव बीन द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इन दिस फर्स्ट क्वार्टर। तो अगेन आप देख रहे हो ये सारी चीजें प्राइकॉल के फेवर में जा रहे हैं, राइट? अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा और बातें कर लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप देखोगे इंडिया में जितना भी टू व्हीलर से लाइक 20+ टू व्हीलर कंपनीज को ये सप्लाई करती है अपना ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आप इंडिया का पूरा टू व्हीलर का मार्केट का देखोगे, इसमें प्राइकॉल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। तो यही है पॉइंट। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे उनको न्यू प्रोजेक्ट्स में, से फॉर एग्जाम्पल आज फोर्स मोटर्स से उनको नया नया कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, फिर टाटा मोटर्स का ये मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल से भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है। सो इसका क्या मतलब, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से ज्यादा बिजनेस आ रहे हैं और नया नया क्लाइंट्स भी ये लोग ज्वाइन मतलब जोड़ रहे हैं अपने अपने बिजनेस पे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे प्राइकॉल का मेन काम क्या है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब क्या, ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट अ स्टैटिक प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि ऑटो सेक्टर कॉन्स्टेंटली बदल रहा है, राइट? तो इसके लिए आपका DIS भी कॉन्स्टेंटली बदलता रहेगा। तो इसके लिए यू नीड अ वेरी अजाइल एंड स्ट्रॉन्ग R&D एंड प्रोसेस डेवलपमेंट डिवीजन। तो प्राइकॉल का अगर आप देखोगे कुछ 900 एम्प्लॉइज है, उसमें से 450 एम्प्लॉइज सिर्फ प्रोसेस डेवलपमेंट में ही लगा हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे प्राइकॉल एक R&D टाइप का कंपनी है, राइट? बिकॉज आज आपने ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेट से एक प्रोटोटाइप बनाया, कल चेंज हो गया, ऑटो सेक्टर में फिर से कुछ नया चीज आ गया। एंड यू अंडरस्टैंड, राइट, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश का या कोई भी देश का अगर आप देखोगे ना, ये सेक्टर बहुत ही चेंजिंग है, कभी BS4 कभी BS6 कभी ये कभी वो, ठीक है? तो ऑटो सेक्टर बहुत ही एक चेंजिंग सेक्टर है। तो ऑटो एंसिलरी कंपनीज को ना, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइकॉल अल्टीमेटली तो एंसिलरी हुआ ना, ये कंपनीज को हमेशा चेंजिंग ट्रेंड इन द ऑटो सेक्टर के साथ चलना पड़ेगा। नाउ ये रिस्क भी है, आई टेल यू दिस। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिस्किट बेच रहे हो, राइट, अब ब्रिटानिया को डेली इनोवेट नहीं करना पड़ेगा, गॉट इट? वो बिस्किट को लेके सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता रहेगा, गांव गांव में घुसता रहेगा और पैकेट पे पैकेट बेचता रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन का रिस्क है, बिकॉज आपने टेक्नोलॉजी पे बहुत खर्चा किया, बहुत मैन पावर हायर करके वो बनाया, लेकिन फिर वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गया, देन क्या करोगे आप, राइट? तो यही बनता है प्राइकॉल जैसे बिजनेसेस का सबसे नेगेटिव पॉइंट। इसके साथ में अगर आपको एक एनालॉजी दूं, आप देखोगे इंटेल, राइट, इंटेल का भी यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इंटेल कोई चिप बनाता है, कल जाके टेक्नोलॉजी बदल गया, वो चिप यूजलेस हो गया। तो इंटेल का भी आप देखोगे एक बहुत बड़ा और भारी एक R&D डिविजन है, राइट? तो इस तरीके से आप प्राइकॉल का देखोगे, प्राइकॉल इज बेसिकली अ गुड R&D का प्रॉक्सी एज वेल, के लाइक जिनको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ रहा है टू स्टे इन टच, टू स्टे इन रेलेवेंस विद दी ऑटो स्पेस। और ऑफकोर्स आपको तो इतने देर से पता ही चल गया कि प्राइकॉल जनरली आप देखोगे ऑटो OEMs को ही सप्लाई करते हैं। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में दे वुड वॉन्ट टू गो इन टर्म्स ऑफ DIS, बट अभी तक उन्होंने कुछ चालू नहीं किया है। ओके, सो दूसरा चीज अगर आप देखोगे प्राइकॉल ई कॉकपिट का एक कॉन्सेप्ट बोला जो अगले कुछ क्वार्टर्स में आने वाला है। ई कॉकपिट इज नथिंग बट वही जैसे हमने बताया, राइट, LCD और आपका जो TFT का जो स्क्रीन है। ई कॉकपिट इज अगेन लाइक इंफोटेनमेंट, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम आज एक इंफोटेनमेंट की तरह बन गया है, ठीक है? और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको एक इंफोटेनमेंट चाहिए, LED का चाहिए,
यू नो अच्छे अच्छे कलर्स की हो और उसको सारे इंफॉर्मेशन चाहिए यू नो एकदम उसके सामने, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टेंटली उसको पता होनी चाहिए, राइट? तो इसीलिए ये लोग ई कॉकपिट में काम कर रहे हैं, विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन विच दे आर वर्किंग ऑन नाउ। अगर आप ई कॉकपिट और ऐसे TFT स्क्रीन्स पे काम कर रहे हो तो आपको सेमीकंडक्टर्स चाहिए होगा। एंड एज आई सेड के थैंकफुली आफ्टर 2 years ऑफ स्ट्रगल वो जो चिप शॉर्टेज हुआ था पूरा दुनिया में वो अभी नहीं रहा, अभी चिप्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे ये जो ई कॉकपिट और ये सब जो TFT स्क्रीन्स कर रहे हैं इनके साथ साइबर सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्शन है ना, बिकॉज आज जब आप गाड़ी चला रहे हो तो सोचो कितने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है, करेक्ट? तो ये अपने साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड के साथ भी ये लोग कनेक्टेड है, गॉट इट? सो प्राइकॉल इज ऑल्सो अ प्रॉक्सी प्ले टू से फॉर एग्जाम्पल यू नो इवन AI, बिकॉज इतना जो आपको डेटा मिल रहा है, राइट? जब इतने सैकड़ों गाड़ी चल रहा है तो सोचो प्राइकॉल को कितना डेटा मिल रहा है उनसे, तो उस डेटा पे एनालिटिक्स पे काम करके भी दे कैन वर्क ऑन से फॉर एग्जाम्पल इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉट इट? तो ऐसे बनता है, ऐसे काम होता है उनका, डेटा पे काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में काम हो रहा है, राइट? बिकॉज ऑफकोर्स कुछ व्हीकल्स का चीजें तो मतलब सिर्फ उसको ओनर को पता होनी चाहिए, राइट? और किसी को नहीं। सो हैविंग सेड दैट, तो ये बात तो हो गई। अब चलो हम थोड़ा बात कर लेते कि यहाँ पे प्राइकॉल का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि कॉन कॉल में, जैसे बोला कि 3 साल में रेवेन्यू डबल हो जाएगा बेस्ड ऑन ऑफकोर्स अब हमें तो बिजनेस ट्रैक करके देखना पड़ेगा आगे किस दिशा में जा रहा है, कोई हेडविंड्स आएगा तो शायद नहीं होगा। यहाँ पे मेन रिस्क एक और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, एक और रिस्क है कि अगर सेमी कॉन्डक्टर का शॉर्टेज फिर से आ गया, बिकॉज ये जो इंफोटेनमेंट और ये सब TFT और ये सब जो टेक पे काम कर रहे हैं, राइट? प्राइकॉल तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी कंपनी बन गया, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज फिर से आने लग गया ना, तो इनका 3 साल में टॉपलाइन का डबल डिजिट का ग्रोथ, मतलब टॉपलाइन डबल नहीं होने वाला है ऑफ कोर्स, राइट? बिकॉज यहाँ पे उनका ऑर्डर बुक है, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद ही तो ये पैसे बनाएगा। तो ये बनता है बात। अब ये हो गया हमारा रिस्क का बात। अब चलिए हम थोड़ा बात करते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल ये जो ईवी वाला पार्ट का जो हम बोल रहे हैं, राइट? कि आज इंडिया में जितना भी 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का, मतलब उतना 3 व्हीलर्स नहीं, चलो 2 व्हीलर्स ही पकड़ लेते, 2 व्हीलर का जितना भी ईवी का पेनिट्रेशन होगा तो प्राइकॉल विल प्ले अ क्रिटिकल रोल, बिकॉज प्राइकॉल 2 व्हीलर्स के एकदम बाप है, ठीक है? एकदम मार्केट लीडर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और ऑफकोर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इट बिकम्स एन ईवी का प्रॉक्सी, बिकॉज अगर मैं देखूं एक कंपनी है सोना कॉम्स्टर करके जो डिफरेंशियल गियर बनाता है, लेकिन वो डिफरेंशियल गियर बनाता है सारी ईवी कंपनीज के लिए इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ओके? तो सोना इज अ गुड प्रॉक्सी इन ईवी फॉर द ईवी कार। और अगर आप देखोगे सोना एक पैसेंजर व्हीकल का अच्छा प्रॉक्सी है, ठीक है? बिकॉज डिफरेंशियल गियर आपका बाइक्स में नहीं लगता है, आपको लगता है 4 व्हीलर्स में। तो अगर आपको ईवी का प्रॉक्सी चाहिए इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, तो आप सोना को देख सकते हो, सोना कॉम्स्टर और सोना BMW, व्हाटएवर द नेम इज। और अगर आपको टू व्हीलर की ईवी में अगर आप सीरियस हो तो आप प्राइकॉल को जरूर ट्रैक करना, ठीक है? एक दो और कंपनी है, आई प्रोबब्ली कवर दिस कंपनी कॉल्ड गैब्रियल इंडिया, जो ये आपका सस्पेंशन सिस्टम बनाता है, ठीक है? वो भी 2 व्हीलर्स का। गैब्रियल का भी देखोगे ना, जैसे प्राइकॉल हो गया वैसे गैब्रियल हो गई, ये दोनों कंपनी एकदम 2 व्हीलर ईवी का पूरा ग्रोथ में एकदम तगड़ा खिला रही है। बट ऑफकोर्स अमंग द टू आई लाइक प्राइकॉल मच बेटर, बिकॉज प्राइकॉल का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा कोई नहीं बना सकता है। सस्पेंशन के लिए तो और भी लोकलाइज प्लेयर्स होगा ही होगा, राइट? बट हैविंग सेड दैट, जब हम गैब्रियल डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा दोनों में प्राइकॉल मुझे बेटर क्यों लगता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट थिंग, राइट? मिंडा के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ओके? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिंडा जो है, मिंडा का ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डिवीजन है, दैट इज नॉट एज बिग एज प्राइकॉल, ठीक है? तो मिंडा ने क्या किया, मिंडा का प्राइकॉल में 14.5% का होल्डिंग था, ठीक है? और उन्होंने इसको बढ़ा के 24% कर दिया और धीरे धीरे और बढ़ाने का सोच रहा है। तो प्राइकॉल का मैनेजमेंट को ये अच्छा नहीं लगा, तो ऑफकोर्स उन्होंने मिंडा पे केस ठोक दिया, ठीक है? तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मेन रिस्क क्या हो सकता है कि प्राइकॉल का मैनेजमेंट, मतलब से मिंडा ने 50% के ऊपर लेके गया और प्राइकॉल का मैनेजमेंट अपना बिजनेस का कंट्रोल से उसका हाथ धोना पड़ा। लेकिन मैनेजमेंट भी क्या कर रहा है, पिछले कुछ महीने से अगर आप देखोगे वो भी प्राइकॉल, मतलब खुद की कंपनी का भी स्टॉक लेके अपना एलोकेशन बढ़ा रहा है, ठीक है? ये हो गया पहला। दूसरा चीज ये है कि इन्होंने, मतलब कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने पिछले 2 क्वार्टर से क्लियरली बोला है कि वी हैव नो इंटेंशन टू गिव अवे द ओनरशिप और द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। क्योंकि आप एक लॉजिकली सोचिए, इफ यू आर एन इन्वेस्टर, ठीक है, और आप देख रहे हो कि एक कंपनी के पीछे दूसरा एक कंपनी हाथ धो के पड़ा है, मतलब मिंडा इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट प्राइकॉल इज अ ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट, अ कंपनी विद अ ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट, ओके? कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये सारी चीजों को ना आप कॉमन सेंसिकली सोचो, क्योंकि अगर कोई कंपनी के पीछे मिंडा जैसा बड़ा कंपनी लगा हुआ है
इसका मतलब उस कंपनी में कुछ तो अच्छा हो रहा है, गॉट इट। और ऑफ कोर्स, और अगर प्राइकॉल का मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए अगर प्राइकॉल उतना सही कंपनी नहीं होता ना, तो प्राइकॉल का मैनेजमेंट मिंडा को कब का बेच के निकल जाता। लेकिन आज भी वो लड़ाई कर रहे हैं प्राइकॉल रखने, क्योंकि प्राइकॉल वाले को भी पता है प्राइकॉल का क्या स्कोप है। तो कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग इतने बैलेंस शीट एनालिसिस और फंडामेंटल और एनालिसिस में घुस जाते हैं, हम कॉमन सेंस अप्लाई नहीं, मतलब अप्लाई करने भूल जाते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंसिकली देखोगे, सोचो फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहे हैं हम सारे शेयर, मतलब हम वी डोंट वांट एनी मोर शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस, मतलब हम पूरा कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट करने वाले हैं, इसका क्या मतलब कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड वो उसका जो प्रॉफिट बढ़ने वाला है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, राइट। तो जैसे ऐसे जब कोई इंस्टेंस आएगा तो इस पे गौर करना। दूसरा ऐसे चीज है जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के पीछे हाथ धोके पड़ा है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये नहीं है कि प्राइकॉल का परफॉर्मेंस बुरा है। देखिए जब तक प्राइकॉल का अर्निंग्स मोमेंटम ठीक रहा, राइट, प्राइकॉल को कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, ये सब डिस्ट्रैक्शन से आसपास, राइट। डोंट गेट स्केयर्ड विद दिस। एंड ऑफ कोर्स देखिए, अगर आप इतने अच्छे खिलाड़ी हो, आपके पीछे कोई पड़ा है, ये तो अच्छी बात है ना। इफ यू आर अ पुअर प्लेयर, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका कोई डिमांड नहीं है, वही स्टॉक्स आपको 52 वीक लो में जनरली मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट यही पे मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपका काम, मेरा काम है सिर्फ कंपनी को ट्रैक करना। और अगर कंपनी का अर्निंग्स मोमेंटम रहा, अगर टॉप लाइन कीप्स ग्रोइंग एट 20-25% CAGR जैसे मैनेजमेंट ने बोला, राइट, तो कोई टेंशन नहीं है शेयर होल्डर्स का इन 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 प्राइकॉल लिमिटेड। ऑन दैट नोट आई गेस आपको समझ में आया कि प्राइकॉल का ओवरऑल बिजनेस मॉडल क्या है। Q2 का फिर से जब कॉन कॉल होगा तो आई अटेंड दैट कॉल लाइव, और उसके बाद में फिर से एक वर्कशॉप बनाऊंगा, एंड ऑफ कोर्स और पिक्चर बेटर होता जाएगा। सो एज एन इन्वेस्टर यू शुड नेवर मेक अ बेट, पूरा बेट नहीं लगाने का कभी, तो छोटा सा बेट लगाओ या बेट लगाओ, और बिजनेस जिस तरफ जा रहा है उसके अनुसार अपने एलोकेशन बदलते रहो। तो इसी को एक्टिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं, राइट। तो जितना बिजनेस अच्छा होगा उतना एलोकेशन बढ़ेगा, जितना बिजनेस बुरा होगा फिर आप सोचोगे मैं पूरा निकल के बाहर आऊ स्टॉक से, या फिर मैं अपना एलोकेशन को काटू और किसी बेटर बिजनेस पे जाऊं। ऑन दैट नोट, कोई डाउट हुआ प्राइकॉल के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।